ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये चार लोग हमारे परिवार को तकलीफ में डाल सकते हैं, हमें कई सारी परेशानियों में डाल सकते हैं। ये कौन चार लोग हैं जो लोग हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, इन चार लोगों के साथ हम अपना जीवन बसर करते हैं और इनके साथ हमारा जीवन यात्रा में ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, टकरा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पहले तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो हमें क्या क्या तकलीफ़ें दे सकते हैं, और तीसरी बात है, अगर कोई तकलीफ़ में हम फंस चुके हैं इन लोगों की वजह से, तो उनसे कैसे डील करके बाहर आना है, ये इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि अक्सर धोखा देने वाले जो लोग होते हैं वो वही होते हैं जिन पर आप यकीन करते हैं, और वो लोग कौन हैं, क्या है, इस सभी पर चर्चा करने से पहले और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप नए व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष रिलेटेड सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहें। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव और अपने जीवन से जुड़ी सकारात्मक बातें मिलती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि ये चार लोग कौन हैं जो हमारे परिवार को तकलीफ़ में डाल सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनकी, जो लोग हमारे आसपास समझ रहते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं होती, जिनके मन में खोट होती है दोस्तों, जिनका चरित्र सही नहीं होता है, वो लोग हर महिला को, हर व्यक्ति को अपनी एक गलत निगाहों से ही देखते हैं वो लोग। और ये लोग हमें कभी ना कभी जीवन में हमें तकलीफ़ में डाल सकते हैं। मतलब तकलीफ़ में डालने से मतलब है कि ये लोग लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं और झूठे सपने दिखा सकते हैं, और इस तरह से हमें, हमारा ब्रेन वॉश करके और हमें एक अलग वे में ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहे जिनकी नीयत साफ ना हो, क्योंकि नीयत अगर साफ़ नहीं होगी ना, वो व्यक्ति के घर में कभी ना लक्ष्मी आ पाएगी, ना देवी सरस्वती आ पाएगी, वो लोग हमेशा दुखी ही रहने वाला है, उन्हें घोर कष्ट की ओर जाएंगे। तो ये लोग बहुत सातिर होते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं होती। पहले तो आप इन लोगों को अच्छे से पहचानें, इनको समझें, क्योंकि ये केवल आप खुली निगाहों से, अपने कान नाक नाक खुले रखने से ही समझ सकते हैं, इसमें अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की निजी जीवन एक अलग होता है, सार्वजनिक जीवन एक अलग होता है। दूसरा है वो लोग जो आपको नशे और व्यसन की ओर धकेलते हैं, क्योंकि नशा और व्यसन जब भी शुरुआत होती है ना, तो खुद के पैसे से कभी कोई व्यसा और व्यसन नहीं करता है, जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उससे शुरुआत करवाते हैं धीरे 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 धीरे, फिर वो उस कंडीशन में आ जाता है कि खुद के पैसे से खर्च करने लग जाता है। तो नशे में जो भी हमें धकेलते हैं वो लोगों से सावधान रहे कि होता क्या है, कुछ नहीं होता है, ये थोड़े से तो कुछ नहीं होता है, ये सब झूठी बात है। इससे एक छोटी सी जो गलती है नशे की ओर गई हुई, परिवार को, एक अच्छे खासे दाम्पत्य को, हमारे माता पिता को और सबको वो तकलीफ़ में डाल सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हम युवा हैं, हम अच्छे लोग हैं, इनसे सावधान रहें। तीसरे, जो कर्ज की ओर हमें धकेले, कर्ज इस जीवन में, इस कलयुग में कर्ज सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, इसलिए कर्ज से जितना हो सके बचे, जितनी आवश्यकता उससे बहुत कम कर्ज ले, अपनी जितनी चादर हो उससे भी कम कर्ज ले, मैं तो इस युग में कहूँ। और चौथे लोग जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर पर यकीन नहीं करते। तो अच्छा लगा, लाइक करें। ओम नमः शिवाय।